तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, आज मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे ही बैठा हुआ हूँ मैं। तो आज आपको ऐसे ही बैठे हुए वीडियो बनाएंगे हम। यहीं पे बैठे रहेंगे और आप मेरे को देखते रहो, मैं आपको देखता रहूँगा। ठीक, बस यही करेंगे आज वीडियो के अंदर, और कुछ नहीं। ठीक है, अग्रीड। तो नीचे कमेंट में बताओ ज़रा। ठीक है, ये चलो छोड़ो यार, मजाक छोड़ो। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम ये फ़ोन से गेम खेलेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे खेलूंगा, आप अपने वहां पे खेलना, और दोनों बात करते रहेंगे, चैटिंग भी करते रहेंगे। ठीक है, चलो यार वो बात करते हैं यार, मेन बात करते हैं अपनी। तो आज मैं आपको बता रहा था कि यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। सही में बारिश भी नहीं हो रही आज। चलो यार, अब सुनो यार, तो यहाँ की आज हम बात करने वाले हैं फूड एक्सपेंस की। ठीक है, तो यहाँ पे यार फूड एक्सपेंस मतलब यार क्या है यहाँ पे, तो मैं आपको बता देता हूँ जरा कि जो लोग सेल्फ मतलब खुद कुकिंग करते हैं उनके लिए थोड़ा कम पड़ता है खर्चा, और जो लोग बाहर से खाना खाते हैं जिनको कुकिंग नहीं आती तो उनके लिए थोड़ा महंगा पड़ता है। तो अब मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अब आप इंडिया से आ रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्या कैसे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो भाई मैं सबसे पहले तो आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो जब मैं यार यहाँ पे आने वाला था ना यूके, तो मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी अभी सीख ले यहाँ पे खाना बनाना, कैसे बनाते हैं, फिर वहाँ जाके तेरे को परेशानी होगी, दिक्कत होगी। मैंने कहा था नहीं, मैं वहाँ पे 14 दिन मेरा क्वारंटीन पीरियड होगा, तो मैं वहाँ पे खाली बैठा रहूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं तभी सीख लूँगा। और हुआ भी यही, तो मैंने घर से कुछ भी नहीं सीख के आया था, और मैंने सब यहीं पे आके मम्मी से कॉल पे पूछा, मम्मी ये कैसे बनाऊँ ये कैसे बनाऊँ। तो बस मम्मी ने मेरे को बता दिया था कि इसमें इतने चम्मच नमक डालना है, इसमें इतने चम्मच मिर्च डालनी है। तो वैसे ही करके मैं बनाता गया, और ये देखो मैं रूम में ही खाने के लिए प्लेट प्लेट और सब्जी वगैरह ले आता हूँ, जैम, ब्रेड जैम खाए थे ना। तो मैं रूम में ही खाने के लिए मतलब सब्जी वगैरह ले आता हूँ, जैसे कल मैंने खाए थे छोले। ठीक है, छोले तो मैं मतलब घर पे ही बना लेता हूँ, और कल मैं ना बाहर से लेके आया था, उस दिन मैंने आपको जो पिछले वाली लास्ट वीडियो दिखाई थी, तो दाल मखनी और छोले लाया था मैं उससे लास्ट टाइम पे। ठीक है, तो रेडीमेड दाल मखनी 1.5 पाउंड या पता नहीं 1.65 पाउंड्स की, और 1.6 पाउंड्स के पंजाबी छोले ऐसे करके होते हैं। तो बस उसमें ओवन में गर्म करके खाना होता है, और रोटियां मैंने बना ली थी। तो वैसे तो मैं सारी सब्जी खुद बनाता हूँ, बट मैं मेरे को यही दो पसंद है, तो मैं ये वहां से ले आता हूँ। कौन बनाया इतनी मेहनत, कभी कभी तो चलता है ना यार, है ना। तो अब मैं आपको मेन बताता हूँ इसकी मेरा क्या मतलब, जैसे मैं आया था यहाँ पे तो मैंने सब यहीं पे सीखा, सब यहीं करा। तो अब फॉर एग्जाम्पल गाइज, अगर आप बनाते हो यहीं पे खाना, तो आपका लगता है मतलब अगर आप अपने घर में बनाते हो, क्योंकि भाई बिजली पानी वगैरह तो सब फ्री है, क्योंकि आपका जो रूम रेंट वगैरह होता है उसी के अंदर सब इंक्लूडेड होता है, बिल्स वगैरह के अंदर, है ना। और भाई मतलब लोग होते हैं यहाँ पे ज़्यादातर 450-500 पाउंड भी रेंट देते हैं, बट अगर आप स्टूडेंट हो इंडिया से आ रहे हो तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप इतना दो, मैक्सिमम 350 या 400 पाउंड तक मैक्सिमम में आप रह सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी को एकोमोडेशन के लिए कांटेक्ट करना तो मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको दिलवाऊंगा यहाँ पे यार सस्ता सा एकोमोडेशन, पूरे यूके में कहीं भी हो मैं दिलवा दूंगा आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो आप। ठीक है, तो यार मतलब ज़्यादा मतलब अगर जो मतलब अपनी मेहनत करके आ रहे हैं यहाँ पे, मम्मी पापा के पैसे लग रहे हैं, तो यार बहुत मतलब पैसे बहुत हार्ड एंड मनी होती है, सब इतना मतलब है, मतलब इतना केपेबल नहीं होते, बट फिर भी भेज देते हैं यहाँ पे फ्यूचर सेट करने के लिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि यार थोड़ा मतलब जितना कम हो सके ना यहाँ पे उतना कम करो, और यहाँ पे आके जॉब वगैरह करो तो फिर कमाओ, फिर तो अच्छा भी लगता है इस थोड़ा, है ना। तो वो बात छोड़ो अभी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यार। देखो, अगर आप बाहर से खाना खाते हो, सबवे मैकडी वगैरह या फिर और भी रेस्टोरेंट है यहाँ पे, तो उन सबसे अगर आप खाते हो तो रोज का ना आपको यार 2-3-4 पाउंड ऐसे मतलब पड़ जाता है यहाँ पे। तो मतलब महीने का आप लगा लो, जैसे मतलब मोटा मोटा मैंने मतलब जितना सुन रखा है यहाँ पे, तो 200 से 250 पाउंड लग जाते हैं हमारे। और अगर आप थोड़ी और अच्छी जगह से खाओगे, वैसे तो सारी अच्छी जगह है यहाँ पे, तो अगर आप और अच्छी वगैरह जगह से खाओगे तो यार गाइस आपके ना मतलब 200 से 250 पाउंड आपके लग जाएंगे यहाँ पे बहुत आराम से, और वैसे आपका 100 पाउंड में काम हो जाएगा। बट वो भी 100 पाउंड में आपको कब का बता रहा हूँ, जब बहुत ज़्यादा खाते हो, या फिर मतलब ऐसा भी नहीं है, बट यार यहाँ पे आपका हो जाएगा 170-180 पाउंड ऐसे में हो जाएगा आपका खाना पीना, और वो भी आप खुद ही निकाल लोगे यहाँ पे जॉब करके। अभी तो लॉकडाउन है, अभी तो मतलब बहुत कम लोग जा रहे हैं जॉब वगैरह पे, बट यार खुद निकाल सकते हैं हम यहाँ पे, खाने पीने का खर्चा, रहने का खर्चा सब निकल जाता है आराम से, बड़े आराम से निकल जाता है, और फीस भी कुछ हद तक निकल जाती है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे हम कितनी अर्निंग वगैरह कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो उसकी वीडियो भी मैं बताऊंगा, मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ, इंस्टाग्राम पे डीएम करके बताओ। ठीक है गाइज, तो मैंने आपको फूड का बताया, और हाँ मैं मतलब यहाँ पे जैसे इंडिया से ना मैं मतलब बहुत सारा वो लेके आ गया था, जैसे दाल वगैरह हो गई, छोले हो गए, स्पाइसेस वगैरह हो गए, तो वही मैं मेरा अभी तक चल रहा है, अभी तक वो खत्म भी नहीं हुआ मेरा। एक एक मतलब आधा आधा किलो के मैं पैकेट्स लेके आया था,
तो अभी तक वही चल रहा है मेरा। और यहाँ से मैं ब्रेड वगैरह ले लेता हूँ, मिल्क वगैरह ले लेता हूँ, एग्स वगैरह ले लेता हूँ, बस यही सब सामान लेता हूँ मैं यहाँ से। और मैं यहाँ से मतलब आटा गूंदने वाला ले आया था। और हाँ, मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी, मतलब पिछली से पिछली, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि क्या क्या सामान लेके आना है। उसमें कुकर ज़रूर से लेके आना है, यहाँ पे बड़ा महंगा है, मैं फिर से पता करके आया हूँ, तो ले लेना कुकर। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं आज क्या बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा। मेरे को पता, प्याज भी नहीं काटने आते थे, यहीं पर आकर सब करा मैंने, मतलब सही से काट लेता हूँ मैं, बट आंखों से आंसू आंसू आ जाते हैं। तो अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि मैं क्या बनाता हूँ, ठीक है? और कोई भी आपको क्वेरी होना तो मेरे से जरा नीचे कमेंट्स में पूछो, या इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछो, इंस्टाग्राम पे भी पूछो और नीचे कमेंट्स में भी पूछो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना, ठीक है गाइस? तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं नीचे जाके क्या बनाता हूँ। और कल ना मैं आटा गूंदने के लिए वो भी लेके आया था, और चावल रखने के लिए। और ये देखो, किसान जैम की डब्बी है, इंडिया से ही लेके आया था मैं, ये भी खाली हो गई है, तो इस डब्बी को फेंकूंगा नहीं, इसमें जीरा वगैरह कुछ डाल दूंगा। मतलब अब ना अच्छे से मतलब सब सेटल वगैरह करूंगा। और मैं यहाँ से मतलब पानी की बोतल भी वगैरह, मतलब वेट ना मेरा मतलब भारी सा हो गया था, बैग वगैरह जो था ना मेरा 23-23 किलो का, मेरे को लगा था दो बैग लेके जाते हैं, लेकिन बट 3 बैग लेके आ सकते थे हम। तो मैं यहाँ पे पानी की बोतल भी लेके आया, वो जो स्टील वाली वो होती है ना, बट मैं यहाँ पे प्लास्टिक की बॉटल्स ले आता हूँ हर 2 दिन में, ऐसी करके प्लास्टिक की बॉटल्स होती है यहाँ पे, तो हर 2 दिन में एक ले आता हूँ। और यहाँ पे हम टैप वाटर पी सकते हैं, ताकि मतलब प्लास्टिक अंदर से ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैं चेंज करता रहता हूँ, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम वॉशरूम का पानी भी जो होता है वो पी सकते हैं, बट मैं पीता नहीं हूँ, किचन से ही लाना, मतलब वॉशरूम का पानी मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है, बट यहाँ पे सब ड्रिंकिंग वाटर है जो जो आता है, तो मैं हर 2-3 बार बॉटल ले आता हूँ और उसको रीफिल करता रहता हूँ। रोज सुबह भर लेता हूँ और रात तक मेरी चल जाती है, रात को रिफिल कर लेता हूँ, ऐसे करके बस कर लेता हूँ। तो गाइज, अब बेड पे बैठ के ऐसे ही शूट कर रहा हूँ, तो अभी ना यार यहाँ पे वीडियो ना यहीं पे एंड कर देते हैं ये वाली। और बस मेरे को आपको ये मेन बताना था, आगे का ना मतलब आगे नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि मैं क्या बनाता हूँ यहाँ पे, कैसे बनाता हूँ, सब अपना पूरा किचन टूर कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको जरूर देखना वो वाली नेक्स्ट वीडियो भी, कि मैं इंडिया से क्या क्या किचन का सामान लेके आया था, और आप क्या क्या ला सकते हो, और आपको क्या क्या लाना चाहिए इंडिया से। तो वो सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, और मैं कैसे बनाता हूँ यहाँ पे खाना, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, ठीक है गाइस? तो अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, कोई क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, कोई अकोमोडेशन रिलेटेड क्वेरी हो, कोई वीज़ा रिलेटेड क्वेरी हो, और कोई यूनिवर्सिटी रिलेटेड क्वेरी हो, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना हो तो मेरे को कॉन्टैक्ट करो, मैं एडमिशन कराऊंगा एक्सेप्ट इंडिया, क्योंकि यार इंडिया मतलब इंडिया में भी मैं करा सकता हूँ, बट मेरे जो बाहर के जो एजेंट्स के लिंक है ना, अब मेरे बहुत पक्के हो गए हैं, तो अब मैं वहाँ पे आपका अच्छे से मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करवा सकता हूँ, और स्कॉलरशिप का भी ट्राई कर सकता हूँ। और हाँ गाइस, कमेंट्स भी आते हैं मेरे पास, तो मतलब बोलते हैं लोग कि भाई स्कॉलरशिप आप ऐसे कैसे दिलवा दोगे, ऐसे तो लोगों को मिलती नहीं। भाई मैंने ये नहीं बोला कि मैं पक्का गारंटीड दिलवा दूंगा, बट आई कैन ट्राई, मतलब मिल जाती है। अभी मैंने एक पाकिस्तानी, एक जो मतलब एक है मेरा दोस्त है यूनिवर्सिटी के अंदर ही, उसको एकोमोडेशन फ्री रहने को मिला है भाई 11 महीनों के लिए, मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर ही, और मेरे को पता नहीं है भाई। अब मेरे को धीरे धीरे सारी चीज़ें पता लगती जा रही हैं, इसलिए अब मैं नए स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता हूँ। तो भाई देखो, मेरे को खुद नहीं पता मेरी यूनिवर्सिटी ये सब भी देती है। और बताओ यार, शिट मैन, काश मैं भी ले लेता, मेरे यहाँ पे ऐसे 300-320 पाउंड बच जाते पर मंथ के, बट कोई बात नहीं यार, अपनी मेहनत से भी कर लेंगे थोड़ा बहुत। इतनी स्कॉलरशिप नहीं मिली तो क्या हो गया, हम अपने आप खुद अपने दम पे करेंगे, हम यूनिवर्सिटी को स्कॉलरशिप देंगे, ठीक है? तो बस अब एंड करते हैं यार आज की वीडियो, और अगर कोई क्वेरी हो तो ज़रूर मेरे को कॉन्टैक्ट करो, और प्लीज़ नीचे कमेंट्स में इतनी बड़ी बड़ी कमेंट्स मतलब कर दिया करो कमेंट्स भी, बट कमेंट्स के बाद ना मतलब अगर कमेंट्स पे रिप्लाई ना करूँ तो उसमें मतलब ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मत हुआ करो, तो मतलब कर देता हूँ, वैसे तो मैं सबके रिप्लाई कर देता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो तो उस पर रिप्लाई कर दूंगा मैं, ओके गाइस? तो थैंक यू गाइस तो अब फॉर, आपको दिखाता हूँ जरा मैं क्या बनाता हूँ, ठीक है? बनाते हैं कुछ, दिखाता हूँ क्या बनाता हूँ।